15 दिन पहले ऐसी खबर आई है कि पीरिया क्षेत्र में गंगालूर जो बीजापुर सुकमा का बॉर्डर है वहाँ पर नक्सलियों का बड़ा जमावड़ा हुआ था। करीब 400 से 500 नक्सली जमा हुए थे। उसी समय एक्सपायरी मेडिसिन, एक्सपायरी फूड प्रोडक्ट्स खाने के कारण बड़ी मात्रा में फूड पॉइजनिंग हुई और उसके बाद एक साथ सोशल डिस्टेंस है उसका फॉलो नहीं करने के कारण, मास्क न लगाने के कारण संक्रमण कोरोना का उनके अंदर फैला है। करीब 200 से ऊपर माओवादी कोरोना से संक्रमित हो सकते हैं, ऐसी प्राथमिक सूचना आ रही है हमारे पास ग्रामीणों की तरफ। ग्रामीणों ने यह भी बताया है कि कल रात करीब 8 से 10 माओवादियों ने अपने शव जलाए हैं जो कोरोना से या फूड पॉइजनिंग से मरे होंगे। निश्चित रूप से नक्सलियों को बड़ा नुकसान हुआ है। सबसे चिंता का विषय ये है कि नक्सली अभी भी गांव में मीटिंग ले रहे हैं, गांव में जाकर रह रहे हैं, गांव वालों के साथ संपर्क में हैं, तो जिससे कि अंदरूनी क्षेत्रों में गांव में भी संक्रमण फैलने का खतरा है। ऐसी सूचना भी आ रही है कि नक्सली दवाई के लिए और वैक्सीन के लिए घूम रहे हैं और जुगाड़ में लगे हुए हैं। इन्फेक्शन के स्टेज में यदि वो वैक्सीन लगाएंगे तो उससे उनको और नुकसान हो सकता है, ग्रामीणों को भी नुकसान हो सकता है। निश्चित रूप से गाँव में अवेयरनेस फैलाने की ज़रूरत है। मैं नक्सलियों से अपील करता हूं कि वो लोन वराटू अभियान का फ़ायदा उठाएं, आत्मसमर्पण करें। पुलिस प्रशासन की मदद से उनके इलाज का पूरा जिम्मा लेगी और उनकी जान बच पाएगी। यदि नहीं करते हैं तो वो अपनी जान को भी खतरे में डालते हैं एवं ग्रामीणों की जान को भी खतरे में डालते हैं और दक्षिण बस्तर में संक्रमण का आपदा फैल सकता है। बटालियन CRC प्लटून्स के जो सीनियर काडर्स हैं वो इससे इन्फेक्ट हुए हैं, क्योंकि ये दूध पाउडर और बाकी चीज़ें इनके सीनियर काडर इस्तेमाल करते हैं जो फूड पॉइजनिंग की बात आ रही है। अभी जब नक्सली पर्चे आने वाले दिनों में निकलेंगे तो पूरा क्लियर होगा मामला, लेकिन हमें सूत्रों से खबर मिली है कि बड़े काडर भी या तो क्रिटिकल हैं या मर चुके हैं। और जिस तरह से नक्सली मामले में चुप्पी साध के बैठे हैं जो कहीं ना कहीं बताता है कि उनको काफ़ी बड़ा नुकसान फूड पॉइजनिंग और कोरोना से हुआ है।